प्यारे बच्चों, आज के वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और वो नवोदय विद्यालय में जाने वाले हैं। तो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आप लोगों को एक सामान की लिस्ट दी जाएगी जिसे आप लोगों को घर से लेके जाना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से सामान होंगे और उनकी ख़रीदारी कैसे करनी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मोटू मार्ट्स ऐप को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो हमने रखा है सामान वो है ट्रंक। जो हम लोगों को बॉक्स ख़रीदनी है उसकी साइज क्या होनी चाहिए? कम से कम एक मीटर की साइज़ होनी चाहिए उसकी, एक मीटर की साइज़ हो। और आज के डेट में अगर मार्केट में अगर मैं देखूं तो कम से कम 800 रुपये का मिलेगा। अगर आप छोटे साइज का ट्रंक लेके जाएंगे तो वक्त के साथ आपका सामान बढ़ता जाएगा और फिर उसमें स्पेस कम पड़ने लगेगा जिससे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो ट्रंक आप लेके जाएंगे आज वो अगले 7 साल तक आप इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आप कोशिश करना कि एक बेहतर क्वालिटी का जो है आप लोग बॉक्स लेके जाएं। बॉक्स के साथ में आप लोगों को एक बैग भी लेके जाना है, बैग जिससे कि आप लोगों को बार बार बॉक्स ना खोलना पड़े और वो आप लोग छोटे मोटे सामान अपने बैग में रख सकें जो ऊपर होगा और आसानी से आप उसको उसमें से निकाल सकेंगे। बॉक्स की जो हमने बताया कि बॉक्स जो होता है नवोदय विद्यालय में बेड के नीचे रखा जाता है, बेड के नीचे बॉक्स रखा जाता है। तो ऐसे में जो है बॉक्स की जो ऊंचाई होगी वो इतनी होनी चाहिए कि वो किसी तख्त या किसी बेड के नीचे आसानी से चला जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा बॉक्स लेंगे तो वो अगर बेड के नीचे नहीं घुसेगा तो बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को उसको स्टोर करने में। तो ऊँचाई का विशेष ध्यान रखेंगे, बॉक्स बहुत ज़्यादा ऊँचा ना हो। अब देख लीजिए, मैंने दूसरा सामान रखा है बाल्टी या मग। बाल्टी आप लोगों को ऐसे आप तो मार्केट में जाएंगे तो आसानी से एक बाल्टी मिल जाएगी 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में, लेकिन आप लोगों को एक बेहतर क्वालिटी का बकेट लेके जाना है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग स्टील का बकेट ले लीजिएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके पास घर पर कोई पुरानी बकेट है स्टील की लोहे की तो उसे भी आप ले जा सकते हैं, कोई इसमें जो है शर्माने की ज़रूरत नहीं है। घर पे अगर कोई पुराना जो है इंजन ऑयल का बकेट है या पेंट का बकेट है तो वो काफ़ी मजबूत होता है, उसे आप लेके जा सकते हैं। मार्केट में अगर कहीं आपको ऐसी बकेट मिल जाए पेंट वाली या गियर ऑयल वाली तो उसको आप लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होगा, आपको लंबे समय तक जो है आपको उससे सुविधा मिलेगी। यदि आप 100 रुपये 50 रुपये की बकेट लेके जाएंगे तो बहुत मुश्किल से एक महीने के अंदर ही वो बकेट टूट जाएगा, क्योंकि वो बकेट आप स्वयं ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपके और भी दोस्त मित्र या आपके सीनियर्स भी उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में आप किसी को मना नहीं कर सकते और होगा क्या कि बकेट बहुत जल्दी टूट जाएगा, फिर आपको असुविधा होगी। तो ऐसे में आप लोग कोशिश करिएगा एक बेहतर क्वालिटी का बकेट लें जो काफ़ी मजबूत हो, जिससे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के पटकने अटकने से वो ना टूटे, क्योंकि आप वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं सब एक दूसरे का जो है बकेट वकेट का ख्याल नहीं रखते हैं और वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो मजबूत बकेट लेके जाइए, भले ही पुराना बकेट लेके जाइए लेकिन मजबूत बकेट लेके जाइए। साथ में एक मजबूत मग भी लेके जाना है। आगे देख लीजिए, यूनिफॉर्म आप लोगों को कुल 3 लेके जाने होते हैं, जिसमें से 2 आपके स्कूल ड्रेस होगा और 1 आपका PT। ये एक जो होता है ये वाइट होता है, वाइट पैंट शर्ट, और ये जो होता है ये आपका स्कूल ड्रेस होता है। तो कोशिश करना इसमें जो है हाफ पैंट और वाइट शर्ट या फिर जो भी स्कूल में चलते हैं वो शर्ट आपको बनवाने होते हैं। ये सारे सामान आप लोगों को नवोदय विद्यालय से भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन पहले दिन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना असंभव है कि आपके साइज का जो है पैंट शर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, आपको सारी चीज़ें दे दी जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ये चीज़ें स्कूल से मतलब स्कूल में नवोदय मंगवाता है गार्जियन के थ्रू। तो आप इसको जब बनवाएं, अगर आपका बच्चा बड़ा है और वो फुल पैंट पहनता है, हाफ पैंट पहनने में उसको असुविधा होती है, तो इसमें से कोशिश करिएगा कि एक पैंट जो है आप हाफ बनवा लीजिएगा और एक पैंट आप फुल बनवा लीजिएगा। और ये वाइट वाला आप अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप फुल ही बनवाइए, अगर आपका बच्चा छोटा है कंफर्टेबल है हाफ पैंट पहनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नवोदय विद्यालय का रूल्स है कि आप हाफ पैंट बनवा के लेके आएंगे, तो ऐसे में आप लोग हाफ ही बनवाइएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो
तो ज़रूरी नहीं कि आप हाफ बनवाएं, आप उसमें से एक दो पैंट फुल बनवा लीजिए, एक हाफ बनवा लीजिए, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, बच्चा अपने हिसाब से मैनेज कर सके। एक आप लोगों को वाइट टी शर्ट लेके जाना होता है, वाइट टी शर्ट मंगवाया जाता है, पीटी करते समय उसको पहना जाएगा, तो कोशिश की जानी है कि जो वाइट टी शर्ट होगा उसका साइज काफ़ी अच्छा हो, ढीला ढाला हो और बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जिससे उसको इन करके जाना पड़े। तो साइज भी परफेक्ट होनी चाहिए और ढीला भी होना चाहिए। कुर्ता पजामा नवोदय विद्यालय में मंगाया जाता है, ये सोने वाला ड्रेस है, इसको पहन के बच्चे सोते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कुर्ता पजामा पहनने में कंफर्टेबल नहीं फील करता है तो आप लोग कुर्ता पजामा बनवा सकते हैं, इसमें दो बोला जाता है, आप एक बनवा लीजिएगा, एक आप लोअर टी शर्ट अलग से ले लीजिएगा, उससे जो है आपका पैसा भी बचेगा और आप पैसा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पता चले आप कुर्ता पजामा बनवा लिए और आपका बच्चा पहन ही नहीं रहा है तो वो नुकसान जाएगा। यहाँ पे लड़कियों को जो है सलवार सूट पहनने के लिए बोला जाता है, सलवार सूट बनवा के लाने के लिए बोला जाता है और वो पिंक कलर का होता है, तो सलवार सूट तो लड़कियाँ ऑलरेडी पहन सकती हैं तो वो बनवाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए दोनों ले लेंगे इसको, एक बरमूडा अवश्य ले लें, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, ये आपको शाम के समय जो है पहनने में आराम भी रहेगा और सुविधा भी रहेगी। ठीक है बच्चों, एक तौलिया लेके जाना होगा आप लोगों को। तौलिया लेते समय एक बात का ध्यान रखें कि तौलिया इतनी मोटी ना हो कि उसको सूखने में एक दिन का समय लग जाए। तौली का साइज जो है हल्का होना चाहिए जिससे वो आसानी से सूख जाए और फिर से इस्तेमाल करने योग्य हो जाए। पता चले आप जो है तौलिया लेके गए हैं और वो सूख ही नहीं रहा है, वहाँ पे पता चले अंदर पसारना पड़ रहा है, सूख ही नहीं रहा, तो ऐसे में जो है वो बदबू करेगा और दिक्कत होगी। तो हल्की साइज़ की तौलिया लेना है जिससे आसानी से सूख जाए जल्दी से। अंडर गारमेंट्स अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं बच्चे। अब देख लीजिए, सूज आप लोगों को दो लेने होते हैं, एक सूज आपको स्कूल जाने के लिए और एक वाइट सूज आप लोगों को पीटी करने के लिए लेके जाना होता है। तो वाइट सूज पीटी सू आप लोग लेके जाएंगे, पीटी सू जो है आता है मार्केट में, उसको खरीद लेंगे और ये सारी चीज़ें 6 महीने के अंदर जो है स्कूल से प्रोवाइड करा दी जाती हैं। लेकिन 6 महीने तक आपका बच्चा वो सारी चीज़ें पहनेगा तो वो कोशिश करिए अच्छा क्वालिटी का रहे और अच्छा रहे जिससे वो लंबे समय तक पहन सके। मच्छरदानी लेके जाना होता है नवोदय में, क्योंकि मच्छर काटेंगे ऐसे में जो है सोने में दिक्कत होगी। तो जो मच्छरदानी होगा उसमें किसी प्रकार के कोई डंडे नहीं लगेंगे, डंडों की आवश्यकता नहीं है। साथ में मॉस्किटो नेट जो होगा मच्छरदानी, वो जो है सूती वाला नहीं होना। कुछ गार्जियन काफ़ी कैपेबल होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए पता चले बहुत अच्छा क्वालिटी का मच्छरदानी ले आए, सूती मच्छरदानी। सूती मच्छरदानी की समस्या ये होती है कि वो ऊपर से जो उसका लेयर होता है, उसका ऊपर वाला, वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से बुनाई किया होता है, घना बुना गया होता है, जिसकी वजह से उसमें हवा नहीं पास करता है और सीलिंग फैन ऊपर लगा होता है जिससे उसमें हवा नहीं जाती है और इसकी वजह से अंदर सोने वाले बच्चे को गर्मी होती है। तो मॉस्किटो नेट लें, लेकिन उसको सूती वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा लें कि ऊपर वाला जो हिस्सा हो वो ऐसा हो जिसमें अच्छे से हवा पास करे और उसको हवा लगे। साथ में आप लोगों को मच्छरदानी बांधने के लिए थोड़ी सी रस्सी भी लेके जानी होगी। रस्सी आप लोग अपनी सुविधा अनुसार ले लीजिएगा, प्लास्टिक की, जो आप लोगों को मच्छरदानी बांधने या कपड़ा सुखाने के भी काम आ सकता है, तो आप लोग रस्सी भी ले लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी मच्छरदानी को ध्यान रखिएगा, ऊपर का जो हिस्सा हो, ऊपर का जो कपड़ा हो वो काफ़ी ज़्यादा रेयर हो, उसमें जो धागे लगे हों जिससे हवा आसानी से पास कर जाए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले, देख लीजिए, साबुन तेल टूथपेस्ट ब्रश, ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्कूल में लेके जानी होंगी। जो भी बच्चे आज आपके घर में इस्तेमाल करते हैं जिस भी ब्रांड का, उस ब्रांड का आप लोग ले लीजिएगा। बाकी नवोदय में जो ब्रांड यूज होगा अगली बार जब भी जो है सामान मिलेगा तो वो इस्तेमाल करने लगेंगे बच्चे। इसके साथ साबुन में जो है नहाने धोने वाला दोनों भी ले लेना, ठीक है। और लास्ट है 2 गमले, ये 2 गमले आप लोगों को लेके जाना होता है नवोदय में। आप नवोदय में जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारे गमले पड़े होते हैं और ये सभी स्टूडेंट द्वारा लाए गए गमले होते हैं। तो जो गमले स्टूडेंट द्वारा लाते हैं, दो दो हर साल जो है, अगर दो दो गमले सारे बच्चे लेके आएँ तो इस हिसाब से जो है 160 गमले हर साल आते हैं नवोदय में। और
इसमें ध्यान रखना यह है कि अगर स्कूल नवोदय विद्यालय बोलता है कि दो गमले लेके आने हैं, तो कुछ गार्जियन क्या करते हैं कि वो खाली गमले लेके चले जाते हैं, खाली गमले लेके जाके दे दिए। तो उसमें क्या है कि अगर पौधा ही नहीं है तो गमले ले जाने का क्या मतलब। तो क्या करना है कि आप लोगों को उस गमले में पौधा लगा के लेके जाना है। अगर आप नर्सरी से पौधे ले सकते हैं तो नर्सरी से ले लीजिए, अगर आप नर्सरी से नहीं ले सकते हैं तो अपने घर के ही अगल बगल कोई छोटा मोटा फूल पत्ती का पौधा है तो उसको थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसमें, और उसको जो है दोनों गमले जो है उसमें पौधे लगा के लेके जाइए, या फिर अलग से पौधे रख लीजिए, वहाँ ले जाके जो है उसको तुरंत लगा दीजिए, पानी डाल दीजिए, तो ताकि लगे कि आप गमला लेके आए हैं। ऐसा ना हो कि पता चले आप गमला लेके गए, खाली खाली गमला पड़ा है। अगर खाली गमला भी लेके जाएंगे तो कोई ना कोई बच्चा उसमें पौधा लगा ही देगा, लेकिन कोशिश की जानी है कि आप पौधे लेके जाएं साथ में, उसमें लगा दें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जाते जाते हमारे चैनल मोटू मार साहब को सब्सक्राइब अवश्य करें, और मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी भी करवाता हूँ, तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं आगे, वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।